है आपका नाम? मूलचंद भाभी। भैया आप कौन से वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 12 से। आप सभासद प्रत्याशी के क्या लगते हैं? पति। भैया आपका क्या? मूलचंद भाभी। भैया आपकी क्या वजह है इलेक्शन लड़ने की? इलेक्शन लड़ने की वजह ये है कि अब क्षेत्र का विकास कार्य रुके हुए हैं, जैसे सड़कें हैं, नाली हैं, छोटी छोटी समस्याएं हमारे क्षेत्र की, जो लोग बड़ी परेशान हैं उसी समस्याओं को लेकर के मैंने मन में ठाना कि अब हम अपने वार्ड से चुनाव लड़ें और अपने जनता के हित के काम करें। क्या क्या तैयारी की है आपने चुनाव को लेकर? तैयारी हमने पूरे क्षेत्र में घूमा है, भ्रमण किया, लोगों की परेशानी जानी, तब हमने समझा कि हाँ वास्तव में हमको चुनाव की आवश्यकता है कि बाढ़ से हम चुनाव लड़ें। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने मुझे एक प्रत्याशी घोषित किया है और मेरा प्रयास भी रहेगा कि भारी मतों से विजयी बनकर के आऊँ। जनता की अपील भी है, जनता की दरख्वास्त मेरे से हुई, मैं लोगों के बीच भी गया। क्या क्या प्राथमिकता रही है आपको इलेक्शन को लेकर? प्राथमिकता इलेक्शन की बस मेरा मन है कि जो क्षेत्र में कार्य रुके हुए हैं, जो पिछड़े हुए कार्य हैं उनको पूरा किया जाए, जो अधूरे कार्य पड़े हैं उनको पूरा किया जाए, यही मेरी प्राथमिकता होगी। जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करना चाहूँगा, मेरे साथ दीजिए, कंधे से कंधा मिला करके चलिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए ताकि मैं आपके क्षेत्र का विकास ही, मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वास्तव में वार्ड 12 का जो विकास संभव होगा। जनता की अपील के साथ ये मेरी अपील होगी कि मैं पूर्ण विकास तभी कर पाऊँ जब जनता मेरा साथ देगी, मुझे वोट करेगी। सर आप किन किन मुद्दों पर आप इलेक्शन में उतरेंगे इस बार? मुद्दे चूँकि क्षेत्र में कई सारी खामियाँ हैं, बहुत समय से लेकर अंडरपास की समस्या चली आ रही, लेकिन एक बड़ी समस्या हमारे गोविंद नगर से रही, पिछड़ा हुआ एरिया है, नाली सड़कें पानी भर जाता है, बारिश के समय आपने देखा होगा कई बार बारिश में पानी भर जाता है, लोग निकल परेशान हो जाते हैं, गाड़ियाँ मोटरसाइकिल कार नहीं निकल सकती, पानी की व्यवस्था नहीं है, लोगों को टंकी के पानी नहीं आता, साफ सफाई नहीं होती। इन समस्याओं को लेकर के मैंने ये प्रण किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, वार्ड 12 का विकास पूर्णतया कर सकूँ। किस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुझे समाजवादी पार्टी ने अपने विश्वास के साथ और मुझे इस लायक समझा कि समाजवादी पार्टी ने मुझे उम्मीदवार घोषित किया है वार्ड 12 से पार्षद पद के लिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में, अच्छे सिपाही के रूप में उभर के आऊँ, ये मेरी उम्मीद और विश्वास भी है। किस विकास को लेकर आप इस समय इलेक्शन में? विकास कार्य सभी लगते हैं क्षेत्र में, यदि हम सबके साथ रहेंगे। छोटी छोटी समस्याएं लोगों को आती हैं, कभी राशन कार्ड की समस्याएं आई थी, लोग पैसे लेकर के उनका काम करते हैं, बहुत बुरी बात। समाज की सेवा करना चाहते हैं तो सुझाव तक बिल्कुल वी स्वार्थ, किसी स्वार्थ से नियत रह करके आप समाज की सेवा करिए। मेरा यही सब सर्वप्रथम सोचना है कि मैं जब भी अपने क्षेत्र में अगली मैं सदस्य बनूँ तो पूरे क्षेत्र का विकास इस तरह से ना हो कि कहीं कुछ अधूरा रह जाए।